हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल के लिए जो बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो लोग इंडियन ऑयल में काम करना चाहते हैं या फॉर्म यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म जो निकला हुआ है जो लोग फिलअप करना चाहते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो एप्लीकेशन की जो कि फ़ीस है क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि IOCL के जो कि करियर पेज में मैं यहाँ पे आया हूँ। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली आ सकते हैं। तो इसके बाद मैं अब इस पेज के आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत जो कि लेटेस्ट जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। फर्स्ट जो है वर्किंग इंटरव्यू फॉर द स्पेशलिस्ट एंड पैरामेडिक और एट इंडिया रिफाइनरी। तो दोस्तों, हल्दिया रिफाइनरी जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो जो लोग वेस्ट बंगाल में बिलोंग करते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया से जो लोग हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए जो कि है स्पेशलाइज्ड फार्मा पैरामेडिक्स एंड हल्दिया रिफाइनरी। तो ये इसका पोस्ट जो है ये, इसके बाद जो कि है और एक जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर इंजीनियर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन थ्रू द ग्रेट 2018 एग्जाम। तो दोस्तों, गेट एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उसके लिए यहाँ पे एक गेट एग्ज़ाम के बाद आप लोग यहाँ पे जॉब पा सकते जो कि पोस्ट है ऑफिसर इंजीनियर के पोस्ट ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो दोस्तों, उसके बाद ठीक नीचे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन थ्रू द गेट 2018 एग्जाम। तो दोस्तों, यहाँ पे थ्री जो कि पोस्ट निकला हुआ है ऑफिसर इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड ऑफिसर इंजीनियरिंग फॉर द मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो दोस्तों, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में और भी कुछ डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशलाइज्ड पैरामेडिक एट हल्दिया रिफाइंड इसके बारे में। इसके लिए मैं इसका जो PDF फाइल है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को वन बाई वन स्टेप जो कि है इसका डिटेल मैं आप लोगों का शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसका RCL के उस जो पोस्ट है स्पेशलाइज्ड एंड पैरामेडिक्स एंड हल्दिया रिफाइनिंग हॉस्पिटल के, तो यहाँ पे वो चला आया है। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट जो पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए MD फिजियोथेरेपी के, मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर के, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1, इसके साथ साथ ड्यूटी आवर्स 2 डेज इन ए वीक 3 आवर पर डे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जो कि है 2 डेज इन वर्क वीक, तो सप्ताह वीक में 2 डेज आपको काम करना होगा और सैलरी जो रहेगा इसका 40,000। उसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है फिजियोकॉलिकल काउंसिलर के पोस्ट में जो निकला हुआ है, इसका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहे ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम एंड डिप्लोमा मास्टर और PhD इन फिजियोलिकलिस्ट एंड काउंसिलिंग। तो दोस्तों, फिजियोलॉजिकल काउंसिलर के जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के जो लोग किए एनी स्ट्रीम वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका मिनिमम जो एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1। तो दोस्तों, इसका जो सैलरी रहेगा 12,500 रुपीज़। इसके साथ साथ और भी एक पोस्ट निकला हुआ है जो कि है पेडिट्रिशियन जो कि इसका क्वालिफिकेशन चाहिए MD एंड पेडिट्रिक, जो इसका मिनिमम एक्सपीरियंस जो चाहिए 1 ईयर, नंबर ऑफ वैकेंसी है 1, इसका जो सैलरी रहेगा 40,000 पर मंथ। डेट ऑफ वर्किंग इंटरव्यू, इसका वर्किंग इंटरव्यू है, कोई अप्लाई एप्लीकेशन के कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे डायरेक्टली जाके आपको अप्लाई जो कि आपको इंटरव्यू देना होगा। इसका वेन्यू जो कि है IOCL हल्दिया रिफाइनिंग गेस्ट हाउस क्लूस्टार 10 PO हल्दिया टाउनशिप डिस्ट्रिक्ट पूर्व मेदनीपुर वेस्ट बंगाल 721603। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसका जो एड्रेस है आप लोग यहां से देख सकते हैं, और इसका जो इंटरव्यू डेट है 9 अक्टूबर 2018, इंटरव्यू टाइमिंग है 9:30 AM to 2:30 PM। तो दोस्तों,
आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इंटरव्यू दे के जॉब पा सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस जॉब के लिए अप्लाई करना, मतलब इस जॉब के लिए इंटरव्यू में जाना, बहुत सारी तैयारी करके आप लोग जाना और इस जॉब को हासिल करना। तो दोस्तों इसके बाद जो कि पोस्ट है, इसका और एक जो पोस्ट है उसके बारे में बात करूँगा। सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड जो कि है इसके बारे में। तो ये अगर आप ये एग्ज़ाम दिए हो तो इसके लिए आपका यहाँ से स्टेटस, आपका सिलेक्शन के स्टेटस आप लोग जान सकते हैं। तो जो लोग दिए गेट एग्ज़ाम फॉर द IOCL तो आप लोग यहाँ से स्टेटस जान सकते हैं। तो अगर आप ये इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल का, लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।